चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग समाधियामी चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग समाधियामी। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है पूरे विश्व के लिए, क्योंकि भारत की राजनीति जो इंटरनेशनल रिलेशन के बायलैटरल ट्रीटीज के लेवल के ऊपर हम देखें, तो अगर भारत का जो सुंदर संविधान ना होता तो हो सकता था कि आज हम अमेरिका के साथ, इंग्लैंड के साथ, जर्मन, फ्रांस, रूस, रशिया या अदर बेस्ट कंट्रीज के साथ हमारी कोई डायलॉग नहीं हो पाता। तो ये डायलॉग करवाने के लिए जे हमारा संविधान जो है अंडर द प्रेसिडेंशियल रूल के अंदर जो है वो हमारे पूरे विश्व के साथ जोड़ता है। ये एक ऐसा सुंदर पवित्र ग्रंथ है कि जिस पवित्र ग्रंथ का आदर और सत्कार करना हम सबका कर्तव्य बनता है। मैं इस संविधान को जब तक जान है तब तक इस संविधान को अपने मन से लगा के रखता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब साथी भी जो यंग जनरेशन हमारे साथ जुड़ रही है वो भी इस संविधान की रक्षा और सुरक्षा करते रहेंगे। जहाँ तक खींच कर लाए हैं इस नैया को, इस नाव को, आगे भी आप इस नाव के केवट जो बनते रहेंगे, और हम सुरक्षित अपना वातावरण, अपना संविधान और सुरक्षित समाज जो है वो बनाते रहेंगे। इस संविधान में जब इनिशियली लागू करा गया तो इसके कुछ आर्टिकल जो थे वो लागू हुए थे बिफोर 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को जो टोटल जो है कंप्लीट जो संविधान है जो पूरे देश में लागू हो गया। प्रीवियस हिस्ट्री क्या रही है, डॉक्टर अंबेडकर जी ने जितना सुंदर जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करा है, आज एक सिंगल लाइन भी कोड करना ये बहुत मुश्किल है। बेशक अपने आप को बहुत दिग्गज समझते वाले लोग बैठे हैं कि हम इस संविधान को बदल देंगे जब बदल सकते हैं, लेकिन वो एक सिंगल लाइन नहीं ड्राफ्ट कर सकते। तो हम ही लोग हैं जिन लोगों ने ड्राफ्टिंग का एक बहुत बड़ा कंसेप्ट जो है वो भारत को दिया है, वो चाहे ड्राफ्टिंग वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण की भी हो, या फिर वो महाभारत को लिखे या गीता सार को लिखने वाला वेद व्यास हो। तो इसी संदर्भ में जैसे गौतम बुद्ध भगवान द्वारा जो भी उन्होंने अपनी दंत कथाएं या जिस तरह के उन्होंने डॉक्यूमेंट को फ्रेम करने की बुद्धिज्म को पावरफुल करने की के लिए कंसेप्ट दिया, वो कंसेप्ट जो है भारतीय संविधान के अंदर मिलता है। तो मैं इस चीज को आपसे शेयर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये संविधान जो है ये 22 प्रतिज्ञाओं पर भी आधारित है, और इन 22 प्रतिज्ञाओं के बीच समानता, समता, भाईचारा, प्रभुता, जिस तरह के भी हम वर्ड यूज करते हैं वो सारे के सारे हमें इस संविधान के अंदर मिलते हैं। इस संविधान में ही 395 आर्टिकल थे इनिशियल स्टेज के ऊपर, और आज अमेंडमेंट कर 105 आर्टिकल और इसमें डालकर जे कम से कम भी 467 आर्टिकल के बराबर जो है वह पहुंच चुका है। इसको चेंज करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन जब भी इसको चेंज करने की बात आती है तो एक वर्ल्ड को इंटरप्रेट करते करते इनके पूरे के पूरे दिन निकल जाते हैं। ये खूबसूरती है इस संविधान की, इस संविधान को हमें जो हमारे शिल्पकारों ने जो ड्राफ्ट करा है वो बहुत ही सुंदर है। हाँ, मानने की बात यह है कि हमने इस संविधान को कितना हमने लागू करवाया या कितनी इम्प्लीमेंटेशन जो है रिकॉर्ड के ऊपर जो भी लोग हम जिम्मेवार रहे हैं, हमने कितना इस संविधान को पब्लिक तक, आम लोगों तक पहुंचाने की इसकी जो कल्पना है उसको पहुंचाया है, लेकिन नहीं पहुंचा सके। क्यों? क्योंकि सिस्टम के अंदर जो लास्ट पायदान के बीच बैठा व्यक्ति था उसको इसको लागू करने की जिम्मेवारी भी उसी के कंधे पर दे दी गई। क्यों? क्योंकि जो सत्ता में बैठे लोग थे वो, मैं जहां तक कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि जो पार्टी सत्ता में रही उन पार्टियों ने जहां तक भी हुआ है कि एमपी और एमएलए के इलेक्शनों के लिए जब कैंडिडेट नहीं मिलते थे तो जनरल कैंडिडेटों को शेड्यूल कास्टों के ऊपर जताकर पार्लियामेंट या राज्यसभा विधानसभा में भेज दिया जाता था, और हमारे लोग उसको रिटेलिएट भी नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि उनको संविधान की नॉलेज नहीं थी। जिनको थी
वो एक सीट पर विराजमान रहते थे, उनको अपनी रोजी रोटी कमानी थी, अपने परिवार को सुरक्षित कर रहा था और थोड़ा सा समाज के लिए सोचने की अगर कल्पना वो करते भी होंगे तो वहां पर भी उनका कोई सिक्का नहीं चल पाता था। आज सोशल मीडिया के द्वारा आज हम पूरे विश्व के बीच आज संविधान की चर्चा जो है वो पूरे विश्व में हो रही है। तो यही एक सुंदरता है कि जो सोशल मीडिया है उसका आज बहुत बड़ा रोल जो है वो उसने भी अदा करा है कि आज हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं और संविधान पर चर्चा कर रहे हैं। आने वाले समय में हर व्यक्ति जो संविधान की चर्चा करेगा जो हम मान रहे हैं, इसके लिए चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे हाई कोर्ट है, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, चाहे तालुका कोर्ट है, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन है, या फिर गवर्नमेंट है, वो सारे के सारे इस संविधान को लागू करने के लिए तो सोचते हैं। लेकिन जहां समस्या कहां आती है, जहां धर्म की बात जब रूल के बीच आ जाती है, भारत का संविधान धर्म की स्वतंत्रता देता है। भारत के संविधान के अंदर ही सभी क्लॉज जो है समय समय के ऊपर आर्टिकल जो है वो हम सबको बराबर का हक देते हैं। फर्स्ट आर्टिकल जो है वो भारत की इंटीग्रिटी के बारे में बता देता है। सेकंड आर्टिकल अलग उसकी इंटीग्रिटी की परिभाषा क्षेत्रफल की बात कर देता है, इसमें सिटीजनशिप की बात हो जाती है। उसके बाद राज्य कितने राज्यों को उसको डिलिमिटेड करना, लिमिटेड करना, जो सारी सारी उसके बीच आ जाती है। उसके बाद हमारे पास जो फंडामेंटल राइट्स आ जाते हैं, फंडामेंटल सिटीजनशिप आ जाती है। सिटीजनशिप को कैसे मिलती है वो सारे का सारे इसमें दिया हुआ है। कौन हो सकता है सिटीजन, आज CAA, NRC और दूसरे कंसेप्ट के ऊपर विवाद फिर खड़ा हो रहा है। तो ये संविधान जो ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जिस डॉक्यूमेंट के साथ जो भारत के अंदर जो व्यक्ति आ गया वो सारे के सारे सुरक्षित है। दलाई लामा कब आया था, 1952 के बीच, तो धर्मशाला में, हमारे हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में वो सिटिंग उसकी एक निर्वाचित सरकार चलती है। तो इसी सुंदर संविधान के अंदर को जहां पर अपने आप को सुरक्षित समझते हैं। मैं इस आपको ज्यादा बात नहीं करूंगा, उसके बाद मैं अगले अपने साथी को किसको कहूंगा। देखिए इस संविधान में जो इस संविधान के अंदर ही तो इंटीग्रिटी की बात जो है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया सबसे बड़ी बात है कि जो डॉक्यूमेंट जो है कि पूरे भारत को बांध के रखता है, लेकिन भारत को तोड़ने वाली भी संस्थाएं भी बैठी हैं। तो इसमें जो कास्ट के सारे हम जो लोग हैं वो जाति के आधार के ऊपर प्रताड़ित रहते हैं, अधिकतर रिलीजन के आधार पर भी प्रताड़ित रहते हैं, लेकिन जाति के आधार पर सबसे बड़े लोग जो प्रताड़ित रहते हैं। समानता का अधिकार है, इक्वलिटी बिफोर लॉ है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी आती है, अपार्टहाइड की बात भी होती है इसके बीच, और बहुत सारे कंसेप्ट जो इस पे क्लियर होते रहते हैं। लेकिन लॉ कमीशन ने क्या करा था 1950 में, जो एक ऑर्डर जारी कर जाति, जबकि आर्टिकल 17 और 18 में जाति टाइटल और कास्ट को हटा दिया गया था, रिपील कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने क्या करा कि उन्होंने उसको फिर प्रेजिडेंट ऑर्डर करवाकर उसको लागू करवा दिया 10 अगस्त 1950 को। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है, आज हम जाति की नहीं तोड़ पाए, तोड़ने की कोशिश करते हैं नहीं तो तोड़ पाते। जाति एक ऐसा स्टिग्मा है जिसको जितना भी हम तोड़ने की कोशिश करें उतना ही आगे बढ़ती है। चलो मैं आपको इस संविधान की खूबसूरती जो है उसको नहीं गिना सकता, क्योंकि ये जितना लचीला है ये उतना ही रिजिड भी है, जो उतना ही कठोर भी है। हर व्यक्ति इसमें सुरक्षा महसूस करता है, लेकिन भारत के अंदर एक, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था उसमें एक हमारी बहन बोल रही थी कि देखिए कि करवा चौथ के दिन तो हम चांद को पति के रूप में देखते हैं, और बच्चों को जब हम बताते हैं तो उसको मामा कहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगी उसकी बात कि ये है अंधविश्वास, और अंधविश्वास जब हमारे घरों के अंदर रहेगा तो हम संविधान को कहां तक लागू करने की बात करेंगे। इस अंधविश्वास से भी हमें बाहर निकलना पड़ेगा। सभी साथियों का धन्यवाद, क्योंकि आज का दिन इंपॉर्टेंट है। आप सबको संविधान दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि आप आगे इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते रहें, अगर टाइम मिलेगा तो फिर बात करूंगा। धन्यवाद।
आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Tatiyam pi dhammam sarnam gacchami.